ऑन लिस्ट। मेरा नाम अमित कुमार और आज एक नए डॉग्स के साथ हम शुभम भाई के पास आए हैं। ये इनका डॉग जो ब्रीड है वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड। मैं खुद वर्किंग डॉग्स ब्रीड करता हूँ, मेलनोज मैंने रखे हैं, वर्किंग शेफर्ड भी मैंने रखे हैं, बट मैंने आज जो डॉग देखा है शुभम भाई का वो ये बहुत ही ब्यूटीफुल डॉग है। मैंने इस तरह का डॉग वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड यहाँ पे किसी के पास नहीं देखा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड वो ज्ञान दे देते हैं, बट एक्चुअल में जो वर्किंग लाइन होना चाहिए वो ये होता है। तो आपके सामने काफ़ी टाइम के देखने के बाद आज मुझे पर्सनली मज़ा आ गया ये डॉग देख के। बताएं शुभम भाई इस डॉग के बारे में, आप बताएं इसके बारे में। इसका नाम है एंजो। एंजो, हाँ, वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड, ये भी मेरा इम्पोर्ट है। जी जी, मेरे आपके पास तो आप सब बड़े लोग हैं, अब तो आपके पास सारे डॉग इम्पोर्ट ही होते हैं। हम सब छोटे से लोग हैं, बस डॉग लवर हैं। ये कहाँ से आपने इम्पोर्ट किया? ये सर्बिया से आया हुआ, मेरे फ्रेंड हैं वो लेके आए। अच्छा अच्छा, तो उन्हीं के थ्रू ही आया है ये। तो डॉग कम मुझे बुल्फ लग रहा है, बिल्कुल बुल्फ जैसा लग रहा है बिल्कुल। और ये इसको कलर को भी क्या बोलते हैं इसको? ये सेबल कलर है, डार्क सेबल कलर। डार्क सेबल कलर, क्योंकि वर्किंग शेफर्ड मेरे पास भी रहे हैं तो डार्क सेबल कलर है ये। और इसका टेम्परामेंट कैसा है इस डॉग का भैया? टेम्परामेंट के बारे में, मतलब मेलनोवा को पीछे छोड़ता है तो। मेलनोवा को, हाँ। तो मैं इसका साइज भी देख रहा हूँ, इसका साइज भी काफी ये जैसे किंग शेफर्ड टाइप, किंग शेफर्ड टाइप, थोड़ा सा है ये लग रहा है। इसकी चेस्ट बहुत बड़ी है, हेड बहुत बड़ा है जैसे डॉग का। कंप्लीट डॉग, जिसको एक कंप्लीट डॉग बोलते हैं वो ये डॉग है। शुभम भाई का जो डॉग जिसको हम कंप्लीट डॉग बोलेंगे वो ये आपका ये एंजो है। ठीक है, आपने ट्रेन किया हुआ है ये डॉग? हाँ भैया, ट्रेन किया हुआ है, तो आप खुद ही ट्रेनिंग करते हैं? हाँ, छोटा मोटा सेमी ट्रेन टाइप आया। अच्छा, आगे आपने ट्रेन किया है, तो ये प्रोटेक्शन के लिए ट्रेन किया हुआ है? हाँ, प्रोटेक्शन के लिए है। ट्रेन ओबीडियंस काफी अच्छा करता है, टेक्स अच्छी करता है, बहुत तेज है। शुभम भाई आप मुझे एक चीज बताएं, वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड जैसे मैं देख रहा हूँ ये है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया ये, आपको क्या लगता है कि कैसा होना चाहिए वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड? क्या आप क्या मानते हैं कि एक वर्किंग डॉग के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए? फर्स्ट तो उसका टेम्परामेंट अच्छा हो। ठीक है, ब्रीड बढ़िया हो। टेम्परामेंट अच्छा कैसे आप उसको देखेंगे? फायर हो, वर्किंग लाइन मतलब वो वर्क की कैपेसिटी करने के लिए। जैसे अभी मैं बैठा हूँ, अभी जैसे मैं बैठा हूँ, हाँ। तो जैसे मैं देख रहा हूँ काफी एनर्जेटिक डॉग है, बट मेरे साथ ये बिल्कुल कूल है एकदम, कोई हाँ, वैसे तो इस तरह का मतलब ऐसा ट्रेंड है, मतलब अगर हम बोलते हैं तो ये अपने एक्शन में आता है। मेरे यहाँ बेसिकली पर्पज है कि रात को सब ओपन होते हैं गार्डिंग के पर्पज पे, बारी बारी से जिनको जिनको घुमाना है। मेरे यहाँ बेसिकली पर्पज ये रहता है इसका डॉग्स का। जी जी। और बाकी शौक है फिर हमारा। जी जी, नहीं अब हम इसका फर देखें, जैसे इसका फर भी एक मीडियम टाइप का कोट है, बहुत ज़्यादा बड़ा कोट नहीं है। तो जैसे मार्केट में लॉन्ग हेयर भी आते हैं वर्किंग लाइन के, आप क्या बोलते हो, क्या आपको क्या लगता है कि क्या एक, मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक वर्किंग जर्मन शेफर्ड को या वर्किंग डॉग को कैसा होना चाहिए? भैया देखो, ये वो वाली बात है, सबका टेस्ट कि भाई किसे क्या नहीं, मैं मुझे तो देखो सिंगल कोट में टेस्ट की बात अच्छे नहीं है। जैसे वर्किंग डॉग को तो सपोज अभी जैसे काफी अभी आज काफी गर्मी है, हाँ। तो गर्मी में भी काम करना है, बारिश में भी करना हो, तो अगर एक लॉन्ग हेयर डॉग होगा तो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम जरूर आएगी, मे बी शायद गर्मी की प्रॉब्लम, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर कोट है। जी जी, वो बेचारा वैसे ही परेशान रहेगा। जी जी जी, और ये ब्रीड है, कोई इतना परेशानी वाली बात नहीं है। सिंगल कोट थोड़ा डॉग रहता तो वो अपने आप को मैनेज कर ले। जी जी, तो बट वर्किंग शेफर्ड में भी लॉन्ग हेड होते हैं। लॉन्ग हेड देखे हैं, बट जैसे कई लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल ना, मैं बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट बैक होते हैं, तो क्या है ये सही बात है कि स्ट्रेट बैक होते हैं? हाँ, ये मतलब सीधे उनका जो बैक पोर्शन होता है वो थोड़ा सीधा होता है, जो वर्किंग जो शो वाले डॉग होते हैं उनका थोड़ा सा बैक पोर्शन, बट जर्मन शेफर्ड में अगर हम देखें शेफर्ड के अंदर थोड़ा तो इनमें भी होता ही है ना। तो आप जो करिए बेसिकली अपने पोज में खड़ा रहेगा तो हल्का सा आपको स्लोप दिखेगा। और खाने को लेके क्या ये डॉग किसी तरह से कुछ प्रॉब्लम करते हैं, जैसे कुछ डॉग में चूजी होते हैं? कुछ भी खिला दो एनी टाइम खाने में रेडी रहते हैं, खाने कुछ भी खा लेते हैं। जी 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 जी, और वर्क में भी एनी टाइम एग्री, मतलब आप कभी भी, काफी बड़ा साइज में इसको देख रहा हूँ, बड़ा भी आप इसको रेडी कर लो वर्क के लिए, रेडी है काम करने के लिए, हमेशा हैप्पी रहते हैं ये डॉग, हमेशा हमेशा एनी टाइम, कभी भी आप चाहे धूप में निकाल लो, चाहे कभी भी पानी में निकाल लो, कुछ भी कर लो। अभी इसकी एज कितनी है डॉग की? ये भैया अभी अराउंड 2 ईयर के लगभग हो रहा है। 2 ईयर के लगभग ऑन पेपर मेरे को चेक करना नहीं नहीं ठीक है, मैं एग्जैक्ट नहीं पूछना चाह रहा, आइडिया की 2 ईयर के आसपास हो गया डॉग है।
तो अगर हम कंपेयर करें कि शो लाइन में या वर्किंग लाइन में, तो वर्किंग लाइन ज़्यादा बेटर है। ऐसा क्यों? सबका भैया, मुझे पर्सनली वर्क वाले डॉग ज़्यादा पसंद आते हैं। ये तो फायर फायर तो मज़ा ही आता है जब वो काम करता है, दिखता है, चलता है। देखो, जर्मन शेफर्ड तो वर्किंग लाइन ही होते हैं, ये तो हम लोगों ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बाद में उनको चेंज कर लिया है। बाकी जर्मन शेफर्ड जो ब्रीड है, ये तो जो है अपना वर्किंग ब्रीड ही है, क्योंकि वहाँ तो जिस वर्क के लिए ही ये डॉग यूज़ किए जाते हैं, तो गार्डिंग में भी और पुलिस वर्क में भी इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका लेने का एक्चुअली कलर बड़ा, हाँ अच्छा, एक यूनिक कलर है, मतलब डार्क शेवल है इसका, शेवल कलर एकदम डार्क शेवल कलर है। ये कलर हमें बड़ा पसंद है, काफी टाइम से हम सर्च कर रहे थे, तो ये हमें दिखा जी, हमने से लिया। और वो जो जर्मन शेफर्ड जो शो लाइन वाले हैं, वो बेसिकली एक जैसा कलर ही सबका कॉमन लगता है। तो और एक्सरसाइज के लिए इस ब्रीड को कितनी नीड है? नीड है इसको एक्सरसाइज की। आप एक्सरसाइज नहीं कराओगे तो फिर कितनी नीड रहती है एक्सरसाइज की इन डॉग्स को? भैया कितनी तो क्या आपकी कैपेबिलिटी, आप देखो मेरा ही मानना, मैं अगर कोई बच्चा अपन लेते हैं जी, आप उसको स्टार्टिंग में कोई 1 किलोमीटर दौड़ा रहा है जी जी जी, कोई 2 किलोमीटर दौड़ा रहा है, कोई 5 किलोमीटर दौड़ा रहा है, जैसे जैसे एथलीट आगे बढ़ता चला जाता है तो उसकी स्टेमिना, उसका पावर उतना होता जाता है जी जी। आप उसको जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा वो तो वर्क में बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बेसिकली इसको है, हाँ भाई मैं सब एक्सरसाइज की हो जाती है, मैं ट्रेनिंग के साथ साथ इसका एक्सरसाइज करवा भी देता हूँ। तो ऑलमोस्ट और हेल्थ इशू इसको लेके, इसको इस ब्रीड के साथ नहीं, तो मैंने गर्मियों में काफी लोगों से सुना कि गर्मियों के दिनों में डॉग जर्मन शेफर्ड थोड़ा खाना छोड़ देते हैं या कुछ है। आपने क्या, मेरा भी पर्टिकुलर जैसे डॉक्टर भी हैं, कुछ फ्रेंड को ब्रीडर भी हैं, जर्मन शेफर्ड में कोई ना कोई मैंने इश्यूज सुने हैं, लेकिन ये जब से मेरे पास है मुझे नहीं। ये वर्किंग लाइन में भी सुने हैं या शो लाइन में? तो नहीं सुने वर्किंग लाइन में, जैसे मैंने भी रखे हैं वर्किंग लाइन के जर्मन शेफर्ड, उनमें ये प्रॉब्लम होती नहीं है? प्रॉब्लम है शो लाइन वाले में या अदर कुछ है? तो इनके तो हाइंड्स और लेग्स मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही मस्कुलर एकदम स्ट्रॉन्ग टाइप डॉग है ये जी। गार्डिंग में अच्छा काम करता है, बहुत बढ़िया। क्या इसको अगर रखने के लिए अगर कोई रखना चाहता है शुभम भाई, तो क्या एक बड़ा ही स्पेस चाहिए या फ्लैट में भी हम फ्लैट इसको? के लिए तो भैया मैं ऐसे सजेस्ट नहीं करूँगा, फ्लैट में आप इसको इस ब्रीड को सजेस्ट नहीं करेंगे? थोड़ा सा उनको स्पेस तो चाहिए, या फिर आप अच्छा वर्कआउट सामने वाला पर्सन, आप जैसे एथलीट हो जी, जी। वर्किंग करने वाला तो बड़ा ठीक है। हर कोई बंदा ऐसा नहीं होता ना कि वो सुबह 5 बजे उठ के उस तरह से करे लोग, तो भी जरूर नहीं चाहे सुबह 5 बजे उठो, ठीक है वो कभी भी उनका टाइम निकाल सके इसके लिए जी जी जी, तो वो आप जरूर। कितनी एक्सरसाइज की नीड इस ब्रीड को होती है भैया? डिपेंड है, जैसे मैं ट्रेनिंग के साथ साथ में भी एक्सरसाइज कर लेता हूँ, कभी मैं इसको साइकिल के साथ अपने फार्म में रनिंग करा लेता हूँ, कभी बाइक के साथ रनिंग करा लेता हूँ, कभी वाइट स्लीव इसके मुंह में देके पूरा फार्म चक्कर करता है, तो वो ऑलरेडी वेट होता है वाइट स्लीव में, तो वो मुंह में लेके इसकी वर्कआउट करते हैं। इसको आप पर्टिकुलर, इसको इस पर्टिकुलर डॉग को कुछ एक्स्ट्रा डाइट देते हो या इसका भी सेम जो सारे डॉग्स का आपका डाइट है वही इसका है? नहीं है किसी का कोई स्पेशली मैंने अलग नहीं कर रखा, जो है सबका सेम डाइट आप? हाँ मतलब ठीक है, ये है कि क्वांटिटी किसी की ज़्यादा है किसी की कम। जी 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 जी। और शुभम भाई, अगर कोई ब्रीडर या किसी के पास वर्किंग शेफर्ड है, वो अगर इसको ब्रीड करना चाहते हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इंडिया में अच्छी चीज़ें किसी के पास हैं, अच्छे डॉग किसी के पास, जैसे ये वर्किंग जर्मन शेफर्ड शुभम भाई का बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल डॉग है और स्ट्रॉन्ग डॉग है, मैंने खुद भी काफ़ी टाइम से शेफर्ड रखता हूँ और मेलनोआ डच भी है मेरे पास, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डॉग है, तो आप ब्रीडिंग में इन डॉग्स को यूज़ करो, ये बाहर से आई है नई ब्लड लाइन है, वही आप पुरानी ब्लड लाइनें यूज़ करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आ जाएगी, आने लगती हैं आगे। तो मैं जो हमारे भाई लोग ये वीडियो देख रहे हैं या जिनके पास वर्किंग शेफर्ड हैं, तो वो इस डॉग को अगर यूज़ करना चाहते हैं, तो शुभम भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ आप शुभम भाई से बात कर लें, और मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बाकी अब शुभम भाई की और आपकी कंडीशंस होंगी वो क्या करना कैसे करना, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्लड लाइन चेंज करने के लिए इंडिया में अच्छा कुछ करने के लिए ब्रीडरों को इस तरह के डॉग जरूर यूज़ करने चाहिए अपनी ब्रीडिंग में, जो कि नई ब्लड लाइन अभी आई हुई है और रियल बहुत स्ट्रॉन्ग डॉग है। हाँ नहीं नहीं, रियली आप आके देखें, मेरी बात ना माने, मेरी बात अगर आपको किसी को ऐसा लगता है कि मैं कुछ बड़ा चढ़ा के कुछ बोल रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं, आप मेरी बात मत मानो, शुभम भाई का नंबर होगा, कॉल करें डायरेक्ट उन्हें, देखने आए उनका डॉग देखें, पसंद आए तो इनसे आगे प्रोफाइल पे भी इसके वीडियोस वगैरह सब देख सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छा डॉग है, बाकी ये वर्किंग जर्मन शेफर्ड तो इंडिया में कम ही लोगों ने रखे हुए हैं, और ये इन्फॉर्मेशन जो शुभम भाई ने दी वर्किंग जर्मन शेफर्ड के लिए उनके अपने इस डॉग की, तो वो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और
अगर किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसके लिए आप डायरेक्ट शुभम भाई को कॉल कर सकते हैं। सिलेक्टेड फीमेलों को ही मैं इसकी ब्रीडिंग, बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं आपको मतलब भी कहना चाहूंगा, हर किसी को ऐसा स्टड ना दें, जो अच्छी फीमेल हैं जिनसे अच्छा कुछ आगे जाए, अच्छा कुछ ब्रीड हो, अच्छा कुछ स्टैंडर्ड सुधरे, हमारे इंडिया में भी अच्छे डॉग्स आए, तो उनको जरूर आप देखें। थैंक यू।